जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास VI का सिम कार्ड है लेकिन उस पर आपका डाटा जो है पूरा दिन तक नहीं चल पाता है, आपका स्टार्टिंग डाटा होता ही सुबह में ही ख़त्म हो जाता है, तो आपको कुछ सेटिंग्स अपने फ़ोन में करना होगा, क्योंकि आप कुछ गलती ज़रूर कर रहे हो जिसके कारण से आपका डाटा पूरा का पूरा सुबह तक में ही ख़त्म हो जाता है। अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते हो तो मैं आपको 5 टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिससे आप अपने फ़ोन के VI सिम पे जो डाटा आपको मिलता है 1 GB, 1.5 GB, 2 GB जो भी, वो आपको जितना देर तक चलाना चाहते हो आप आराम से चला सकते हो, क्योंकि आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इसको कितना देर तक चलाना चाहते हो। तो इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको सारा कुछ मैं आपको समझा दूंगा, तो वीडियो को कहीं भी इसकी नहीं करना है। हो सकता है इसमें से कोई एक दो सेटिंग्स आपको पता भी हो लेकिन पूरा सेटिंग्स नहीं पता होगा, तो वीडियो को पूरा अंत तक ध्यान से देखना है। स्किप करके देखोगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगा, जैसे आपका डाटा सुबह में ही खत्म हो जाता है तो सुबह में ही खत्म हो जाएगा क्योंकि आप सीख ही नहीं पाओगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद है फ्रेंड्स तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिए, क्योंकि एक लाइक आप लोगों का मिलता है मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और साथ ही में अगर आप इस चैनल पर नए हो, पहली बार आकर के वीडियो को देख रहे हो, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको इस टाइप का वीडियो सब देखने को मिलता रहेगा। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हो, कोई भी आपका सवाल है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, मैं आपको पर्सनली वहाँ पर जवाब दे देता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आ गया अपने मोबाइल के स्क्रीन पे और यहाँ पे मैं एक एक सेटिंग्स आपको सही तरीके से बताऊंगा, तो वीडियो को आपको पूरा ध्यान से देखते रहना, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो सेटिंग्स होने वाला है फ्रेंड्स, आपके प्ले स्टोर एप्लीकेशन के लिए होने वाला है। देखिए आपके फ़ोन में बहुत सारा एप्लीकेशन इंस्टॉल होता है, ठीक है, तो आपके फ़ोन में बहुत सारा एप्लीकेशन जो इंस्टॉल होता है तो वो अपने आप और अपडेट भी होता रहता है। आपके फ़ोन में जो एप्लीकेशन है वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है, तो उसके कारण से आपका पूरा का पूरा डाटा लॉस हो जाता है। आपके फ़ोन में व्हाट्सएप हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, तो ये एप्लीकेशन सब बहुत ही भारी भरकम होता है और ये ऑटोमेटिक अपडेट होता है, तो उसके कारण से आपका डाटा ख़त्म कर देता है, साथ में आपका बैटरी भी डाउन कर देता है। तो आपको सबसे पहले प्ले स्टोर एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। मैं मानता हूँ शायद आपको ये ऑप्शन आपको पता भी हो, ये फीचर आपको पता भी हो, लेकिन फिर भी वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। इसमें से एक भी सेटिंग्स अगर आप सीख लेते हो नया वाला तो आपके लिए वीडियो बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर प्ले स्टोर को मैंने ओपन कर लिया, यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक करना है। 3 लाइन पर क्लिक करोगे तो एक सेटिंग्स का ऑप्शन आपको मिलेगा, सेटिंग्स पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है ऑटो अपडेट ऐप्स का, ठीक है, तो यहीं पर आपको क्लिक करके इसको बंद कर देना है। जैसे इसको डोंट ऑटो अपडेट ऐप्स पे क्लिक करके बंद कर देते हो तो आपके फ़ोन में जो भी ऐप एप्लीकेशन होगा वो सब अपडेट अपने आप नहीं होगा, तो आपका डाटा भी लॉस नहीं करेगा। तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा डोंट ऑटो अपडेट ऐप पे क्लिक करके इसको डन करके यहाँ से बंद कर देना है, ठीक है। सेकेंड आ जाता है यहाँ पर व्हाट्सएप। चलिए मैं व्हाट्सएप को ओपन करता हूँ। पहले व्हाट्सएप में कभी कभी क्या होता है कि आपके व्हाट्सएप में बहुत सारा ग्रुप्स होता है, ठीक है, और उस ग्रुप्स में आपको फोटो, वीडियो, ऑडियो, म्यूजिक बहुत कुछ आता रहता है और वो ऑटोमेटिक आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाता है। तो जैसे ही डाउनलोड होगा तो आपका वहाँ पे डाटा ख़त्म होगा, खर्च होगा, तो उसके साथ साथ आपको बैटरी भी डाउन हो जाता है। तो सबसे पहले आपको व्हाट्सएप को ओपन करके मैं बताता हूँ, ओपन कर लूँगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ऊपर 3 लाइन का एक ऑप्शन मिलता है, इस 3 लाइन पर क्लिक करना है, इस 3 डॉट पर क्लिक करोगे तो आपको सेटिंग्स ओपन कर लेना है। सेटिंग्स को ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा डाटा एंड स्टोरेज का, ठीक है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलता है वेन यूजिंग मोबाइल डाटा, इस पर आपको क्लिक करके सिंपल इस सब को अनटिक कर देना है। मेरे फ़ोन में फोटोज़ ये ठीक यहाँ पे टिक था, अगर आपके फ़ोन में ये सब कुछ टिक हो तो ये सबको यहाँ से अनटिक कर देना है। ये अनटिक कर दोगे तो आपका यहाँ पे ओके करना होगा, सबसे पहले आपको ये अनटिक करके ओके करना होगा, तो उसके बाद ये प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा, नहीं आपका वहाँ पर फोटो ऑटोमेटिक डाउनलोड होगा, नहीं वीडियो ऑटोमेटिक डाउनलोड होगा और आपका स्टोरेज भी फुल नहीं होगा और आपका डाटा भी लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ से इसको पहले बंद कर देना है। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपके फ़ोन में जो बहुत सारे बैकग्राउंड में एप्लीकेशन रनिंग करते हैं तो वो भी आपका वहाँ पे डाटा लॉस कर देता है, तो उससे बचने के लिए आपको अपने मोबाइल के सेटिंग्स को ओपन करना होगा। चलिए मैं सेटिंग्स को ओपन करता हूँ। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे स्क्रॉल करके आपको पूरा नीचे आना होगा, एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा यहाँ पर ऐप मैनेजमेंट का, तो ऐप मैनेजमेंट पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर सबसे फर्स्ट में एक ऑप्शन आपको मिलेगा ऐप लिस्ट, तो इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करोगे तो स्कैनिंग करके आपको आपके फ़ोन में जितने भी सारे एप्लीकेशन होंगे बता देगा। तो यहाँ पे मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, देखिए आपके फ़ोन में बहुत सारे जो एप्लीकेशन होते हैं तो जिसमें आपको यहाँ पे जो है एप्लीकेशन में डाटा का कोई काम भी नहीं होता है, वो भी एप्लीकेशन डाटा लेता रहता है, तो उस एप्लीकेशन से हमें डाटा को बंद करना है। तो उसके लिए यहाँ पे आपको सर्च कर लेना कि कौन कौन सा ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें डाटा का कोई ज़रूरत नहीं है। तो मान के चलिए यहाँ पे एक कैलकुलेटर है, तो कैलकुलेटर को मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ।
तो जैसे मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर को ओपन किया तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा डाटा यूजर्स एंड डिटेल्स का, ठीक है। तो आपको इस पर क्लिक करना है डाटा यूजर्स एंड डिटेल्स पे। तो इस पर क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना होगा, यहाँ से इस एप्लीकेशन के डाटा को बंद करना होगा, जो बैकग्राउंड में डाटा प्रोसेसिंग होता रहता है और उसके कारण से आपका डाटा भी लॉस कर देता है और आपका पूरा का पूरा वहाँ पर बैटरी भी डाउन हो जाता है। तो यहाँ पर आपको नीचे में देखना बैकग्राउंड डाटा के ऑप्शन मिल जाएगा, इसको यहाँ से टर्न ऑफ कर देना है। तो आपको जो इसमें आपको डाटा ही नहीं जाएगा तो डाटा क्यों खर्च करेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया। तो ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको देख लेना कि आपको कौन कौन सा एप्लीकेशन ऐसा मिलता है जिसमें आपको बंद करना हो, तो आप सबको कर देना बंद। जिसको आपको बंद करना ज़रूरी लगे उसी को बंद करना है, ऐसा नहीं कि आप जैसे कि ये फ्लिपकार्ट है तो इसी को बंद कर देना, इसको बंद कर दोगे तो आपका नेट ही नहीं चलेगा फ्लिपकार्ट में, ठीक है। तो इसको ध्यान देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सब कुछ चेक करने के बाद में, बंद करने के बाद में एक ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पर यूट्यूब। यूट्यूब पर आप बहुत सारा वीडियो देखते हो, ठीक है। तो यूट्यूब पर जो आप बहुत सारा वीडियो देखते हो फ्रेंड्स, तो वहाँ पर आप क्या करते हो कि पूरा हाई रेजुलेशन में देखते हो, तो उसके कारण से HD में जो वो चलता है तो आपका पूरा का पूरा डाटा खत्म हो जाता है। और मैंने बहुत सारे लोगों को ये भी देखा है कि अपने फ़ोन में यूट्यूब से वो गाना सुनते रहते हैं, ठीक है, वीडियो देखते भी नहीं, गाना सुनते रहते हैं सिर्फ और सिर्फ, लेकिन वो हाई क्वालिटी पर चलता रहता है। तो आपको लो क्वालिटी पर गाना सुनना है, अगर आप कोई मूवी देख रहे हो, पिक्चर देख रहे हो, फिल्म देख रहे हो, तो आपको लो क्वालिटी पर देखना है ताकि आपको लंबा देर तक डाटा चले। तो आपको लो क्वालिटी का लेना 144 या तो 240 पे करके देखना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, अगर आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करते हो, नेटफ्लिक्स या तो अमेजॉन प्राइम या तो यूट्यूब, उस पर आपको लो क्वालिटी पे ही देखना है। तो ये यूट्यूब वाला हो गया, ये पिक्चर वाला हो गया। चलिए अब आपको मैं बताता हूँ, एक ऑप्शन है आपको सेटिंग्स में आकर के देखना होगा ऑटो सिंक का, ठीक है। सेटिंग्स में आकर के यहाँ पर स्क्रॉल करके पूरा नीचे आओगे तो ये मेरा रियलमी का मोबाइल है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है यूजर एंड अकाउंट्स का, तो इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करोगे तो सबसे फर्स्ट में एक ऑटो सिंक डाटा का ऑप्शन मिल जाता है। तो इसका कोई काम नहीं होता है मेरे हिसाब से, मेरे लिए तो एक बेकार ही सेटिंग है, जिसके लिए होता होगा ठीक है, तो आपके लिए भी कोई बेनिफिट का नहीं होगा। इसको क्या करना है, आपको ऑटो सिंक डाटा जो है इसको बंद कर देना है। ऐसे बंद करने के लिए यहाँ पे ओके के बटन पे फिर से क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। तो ये क्या करता है, आपके फ़ोन में फेसबुक का जो डाटा होगा गूगल में ट्रांसफर करेगा, गूगल का डाटा होगा वो व्हाट्सएप में ट्रांसफर करेगा। तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है मेरे ख्याल से, अगर आपका डाटा पूरा का पूरा लॉस हो जाता है, जल्दी से ख़त्म हो जाता है, तो इसको भी बंद कर दीजिएगा। तो बस यही था कुछ 2-4 सेटिंग्स। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और मैंने आपके लिए बहुत ही अच्छे से बताया समझाया, तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देते हो तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और इस चैनल पर अगर आप नए थे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको इस टाइप का वीडियो सब देखने को मिलता रहेगा। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हो, अगर आपको कोई सवाल है जो आपसे मुझे पूछना चाहते हो, तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, मैं आपके लिए वो जो है वहाँ पर सवाल का आंसर कर दूंगा पर्सनली, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम। I'm not afraid to die.